हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपेश मैथ्स। मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ रुपेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने एसएससी के प्रीवियस ईयर का एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कराऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ एलसीएम एचसीएफ प्रीवियस ईयर करके। आप वहां जाके एक साथ उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो हम लोगों का अप्रोच रहेगा किलर अप्रोच रहेगा। व्हाट डज इट मीन किलर अप्रोच? किलर अप्रोच मतलब हम लोग क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करेंगे, यानी देखते ही हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, माइंड में ही कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं पार्ट वन आप लोगों को करा चुका हूं, आप उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट वन में इस क्वेश्चन को देखे थे, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर देता हूं वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे। 7 से 10 सेकंड काफी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर 16 and 480 रिस्पेक्टिवली द नंबर्स आर। तो हमें यहाँ बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, हमें उन दो नंबर को बताना है जिसका एचसीएफ 16 है और उसका एलसीएम 480 है। तो इसका जो आंसर होगा यानी जो नंबर होगा वह एचसीएफ का मल्टीपल होगा और नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा दो नंबर है जो कि 16 का मल्टीपल है, यानी इसका गुना में है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 16 का टेबल में वह नंबर आएगा। तो क्या 40 16 का मल्टीपल है? नहीं। तो जो दो नंबर होगा दोनों को 16 का मल्टीपल होना होगा, दैट मीन्स एचसीएफ का मल्टीपल होना होगा। तो यहाँ सिर्फ एक नंबर 16 का मल्टीपल है, बाकी 40 नहीं है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन गया। इसी तरीके से इसमें 16 का मल्टीपल नहीं है तो यह भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें कि दोनों नंबर 16 का मल्टीपल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम को अब चेक कर लेंगे। जो भी नंबर, जो दोनों नंबर का पेयर जो है या दोनों ऑप्शन का जो दो नंबर, इसको डिवाइड कर देगा एलसीएम को, तो वह हमारा आंसर होगा। तो यहां से आप देखिए 80 भी 480 को डिवाइड करता है और 96 भी 5 बार में 480 को डिवाइड करता है, तो हमारा आंसर यह होगा। आप यहां पे यह देख सकते हैं कि 80 तो डिवाइड करता है 480 को बट 64 नहीं करता है। लेकिन आप बोलेंगे कि कैसे हम लोग पता करें, इसके लिए तो डिवाइड करना होगा, लेकिन नहीं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप यहाँ पे देखिए 480 को हम लोगों को पता है 8 × 6 = 48, यानी 48 हो गया। इसको 10 से गुना कर देंगे तो 480, इसको आप माइंड में सोच सकते हैं। और इसमें देखिए कितना 8 है, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 2 बार 8 है। लेकिन इसको अगर माइंड में आप देखें तो 8 × 6 है, यानी एक बार तो 8 आ रहा है, दोबारा 8 नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो यह तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह 8 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में यह और 2 बार में यह, तो यहाँ पे आपको 2 बच जाएगा, यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको आप माइंड में इस तरीके से सोच सकते थे कि यहाँ 8 का स्क्वायर है जबकि इस नंबर में एक बार ही 8 आ रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि यह नंबर 64 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बनता 8 × 8 × 10, यानी यह हो गया 640, तो यहाँ से 10 बार में यह कैंसिल है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते थे कि 64 में 2 बार 8 आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या देखना था कि कौन सा ऑप्शन में दोनों नंबर 16 का मल्टीपल है, तो सिर्फ आपको यह दो ऑप्शन को अब चेक करना था, जिसमें कि अब हमें जैसे एलसीएम पे जाते तो यहाँ से, तो अगर आप कोई एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए, अगर आप यह ऑप्शन को चेक कर लिए और दोनों डिविजिबल है तो डायरेक्ट इसको आंसर कर दीजिए।
दोबारा दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर दूसरा भी नंबर आ जा रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए बोनस ही है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107 इफ द एच सी एफ ऑफ द नंबर इज 37 द ग्रेटर नंबर इज। हमें यहाँ पे दो नंबर का गुणनफल यानी दो नंबर को गुना करने के बाद 4107 आ रहा है, और अगर एच सी एफ 37 है तो उन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है वह क्या होगा आपको बताना है। तो जो भी नंबर होगा वह एच सी एफ का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी इसका मल्टीपल में होगा, एच सी एफ का मल्टीपल में होगा। तो यहाँ से देखिए ना तो यह मल्टीपल है 37 का ना यह है, ऑप्शन बच जाता है यह दो। अब यहाँ से जैसे ही आप इन दो नंबर के प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा अगर कोई भी नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है, मान लेते हैं कि अगर वह ग्रेटर नंबर 185 होता तो इससे कोई भी नंबर इससे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ तो या तो 5 आता, जैसे कोई ऑड नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 5 आता, अदरवाइज अगर कोई इवन नंबर होता तो यहाँ पे क्या आता, 0 आता। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यह दोनों में से कोई चीज यहाँ पे यूनिट प्लेस यानी लास्ट डिजिट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो 37 यानी 37 का मल्टीपल है जो 111 यह है इसका सही आंसर। क्योंकि अगर कोई नंबर दूसरा होगा हो सकता है कि उसका लास्ट डिजिट 7 हो दूसरा नंबर का, तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होके यह आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 7 होता है तो यह 7 5 35 बन जाएगा, तो लास्ट डिजिट 5 आ जाएगा जो कि यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स यह ऑप्शन नहीं होगा। अगर कोई इवन नंबर बनता है दूसरा नंबर तो इससे 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, लास्ट में 0। तो सिर्फ एक ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो आई होप यहाँ से आप इसको भी समझ पाए होंगे। तो इसको आपको जल्दी में कैसे करना है एग्जाम हॉल में उसको समझ लीजिए एक बार। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है और एच सी एफ दे रखा है, तो हमें पता है कि जो भी नंबर होगा चाहे स्मॉलर नंबर हो या ग्रेटर नंबर हो दोनों 37 का मल्टीपल में होगा। तो यहाँ से यह दो ऑप्शन आउट, तो यह दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब यहाँ से आपको बताना है कि किस नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई होके यह 4107 बनेगा। तो हमें पता है कि अगर 185 कोई नंबर होता है तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यह नंबर नहीं आएगा, यानी यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो जो यह बचा हुआ है इसको चेक भी नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में, इसको आप टिक कर लीजिए। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर इसके कोई नंबर हो जिसका लास्ट में अगर 7 हो तो 1 मल्टीप्लाई होके यह बन जाएगा, चूंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है 1 है, 1 × 7 7 आ जाएगा, और यह 37 का मल्टीपल भी है, तो यही हमारा सही आंसर है। और इसको आप जो बेसिक मेथड से करते हैं उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर लीजिए सो दैट आपको एक क्लियरिटी मिल पाए। इसको क्या कीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ का तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम ही होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे लिखिए, एचसीएफ आपको मालूम है यहाँ पे लिखिए, उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए तो एलसीएम आ जाएगा, और उन दोनों नंबर को सेटिस्फाई कीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा और एचसीएफ 37 आएगा। तो आई होप यहाँ से मैं आपको एग्जाम में आपको क्या थाउट रखना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या है किलर अप्रोच, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे सिर्फ 37 का मल्टीपल देखना था और किससे मल्टीप्लाई करके 4107 आए, बस हम इसको देखते ही हमारा यह आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 924 respectively, then the number of such pair is। यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कितने पेयर पॉसिबल हैं जिसका कि एच सी एफ 12 है और एल सी एम 924 है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा, एक बनेगा एच ए वन, एक बनेगा एच ए टू, और यह क्या है एच एच सी एफ है दोनों नंबर का, और ए वन और ए टू क्या है कोप्राइम है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन जो है सिर्फ एच है जो कि एच सी एफ बनेगा। अब हमें एल सी एम दे रखा है तो एल सी एम यहाँ से क्या बनेगा एच ए वन इंटू ए टू, और यह क्या दे रखा है 924, और एच का वैल्यू यानी एच सी एफ आपको मालूम है, एच सी एफ क्या है 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे
तो जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से 12 7 84 यानी 7, और यह बचा कितना आपको फिर 8 और 8 और 4 84 हो जाएगा, तो 12 7 84 यानी 77 77। तो यहाँ पे आपको A1 इंटू A2 क्या आ जाएगा, 77। तो आपको A1 और A2 का ऐसा पेयर अब यहाँ से आपको बनाना है जो कि को प्राइम हो। तो चलिए यहाँ से पेयर बनाते हैं। एक पेयर हो सकता है 1 और 77, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। और दूसरा पेयर क्या होगा यहाँ पे, आप चूंकि इसको देख के आपको इजिली माइंड में आ सकता है, दूसरा पेयर होगा 7 और 11, बस यही दो पेयर संभव है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 एंड देयर HCF इज एट द LCM ऑफ द नंबर विल बी। तो कोई भी दो नंबर का HCF 1280 है और HCF 8 है, तो उन दो नंबर का LCM क्या होगा आपको बताना है। या तो आप वह बेसिक सा फॉर्मूला लगाइए, और अदरवाइज अगर आप उस फॉर्मूले को कई बार यूज कर चुके हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि यह नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर को अगर HCF से डिवाइड करेंगे तो LCM मिलेगा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर को LCM से डिवाइड करेंगे तो HCF मिलेगा। तो यहाँ पे HCF दे रखा है, अगर HCF से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, LCM। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ से अगर 100 बार में डिवाइड करते हैं तो यह क्या बन जाता, 800, तो बचता 100 बार में जब डिवाइड करते तो 800 चले जाता, कैंसिल हो जाता, 480 बचता। और 480 के लिए यहाँ 60 बार में यानी 6 बार में 48 और 10 बार में यह 0 कैंसिल हो जाता, तो यानी 160 इसका आंसर होगा। अदरवाइज आप यहाँ से जैसे आप डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि एक बार में अगर इसको डिवाइड करें तो यह यहाँ पे 4 बचेगा और 8 6 48 और इस 0 का 0, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जब बड़ा कैलकुलेशन होगा तो यह मेथड काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इसको 8 से डिवाइड करना है तो 100 बार में 800 कैंसिल हो जाएगा, तो 100, और फिर आप यहाँ पे 480 बचा, तो 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, 480 यानी 48 तो आ गया 6 बार में, और एक 0 जो है तो यानी 7 यानी 160 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग वर्बली बिना इस कैलकुलेशन को, इस तरीके को लिखे हुए माइंड में क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे आता है तो यहाँ पे आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आंसर क्लिक कर सकते हैं वर्बली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 इफ द HCF इज 6 देन देयर LCM इज। अभी आपने देखा जब प्रोडक्ट दे रखा है तो HCF से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, LCM, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे 36, क्योंकि हमें मालूम है 216 क्या है, 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब में एक 6 से जैसे डिवाइड करेंगे 6 का स्क्वायर बचेगा, 6 का स्क्वायर 36। और कई स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, पहले तो जो फार्मूला याद किया है उसको लिखेंगे, क्योंकि उसका माइंड में यह चल रहा है जो फार्मूला याद किए उसको यूज कहाँ करना है, तो कोई LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पहले यह लिखेगा, फिर उसके बाद HCF दे रखा है तो इसके जगह 6 लिखेगा, फिर यहाँ X और यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है 216, और फिर 6 को लाके इस साइड डिवाइड करेगा, फिर 36 इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप कुछ नंबर को जैसे क्यूब याद करते हैं, अगर इन सब प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हैं तो यह सब क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड का है, 1 से 2 सेकंड का। कैसे, जैसे ही पता चला प्रोडक्ट दे रखा है, HCF दे रखा है, तो LCM पूछा गया है, यानी दैट मीन्स कि इस HCF से इसको डिवाइड करना है। यह 6 का क्यूब दिख रहा है तो 6 का क्यूब में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 का स्क्वायर बचेगा यानी 36 बचेगा। आई होप यह कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 and 6300 रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर इज। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने किया है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह यहाँ पे आपको LCM दे रखा था। अब आपको ध्यान में जो बात रखना है, क्योंकि जो HA1 एक नंबर मानते हैं, एक HA2, तो इन चीज़ों को आप घर पे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम हॉल में आपको यह लिखने का ज़रूरत नहीं पड़े।
तो हमें सिंपली पता चलेगा कि जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो वह क्या बना होगा, एच स्क्वायर इंटू ए वन इंटू ए टू, यानी यह वैल्यू है 6300 के इक्वल। तो यानी आपको इसको 15 से डिवाइड करना है, 15 गुना 15, क्योंकि यह एच स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो एच क्या है, यानी एच सी एफ क्या है, 15। तो जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15 गुना 4 60 होता है, और 15 गुना 40 600 हो जाएगा, और 15 गुना 400 तो 6000 हो जाएगा। तो आपको 400 प्लस 6000 तक तो कैंसिल हो गया, और 300 के लिए 15 गुना 2 30 होगा, और 15 गुना 20 आपको 300 हो जाएगा। तो यानी 420/15 बचेगा। अभी यह 15 बचा हुआ है, तो अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 420 को 15 से। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे फिट करते हैं। अगर यह, चूंकि 15 * 3 = 45 यानी 450, अगर यह 450 रहता तो 30 बार में कैंसिल हो जाता, लेकिन 450 से कितना कम है, 30 कम है, 30 कम है, तो यानी 15 को कितने से गुना करेंगे, 30 होगा 2 से, तो यहाँ पे 2 कम हो जाएगा, यानी 28 टाइम्स। दैट मीन्स अगर 15 से 420 को डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। तो आपको यहाँ से A1 into A2 का वैल्यू मिल जाएगा, A1 into A2 28। तो अब यहाँ से आप पेयर देख लीजिए A1 A2 का, जो कि को प्राइम हो, दैट मीन्स उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो एक पेयर तो 1 और 28 बनेगा, दूसरा पेयर आप यहाँ पे 2 और 14 नहीं ले सकते, इसमें क्या आ जाएगा, आपको 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 और 7 बन जाएगा। और तो यहाँ से यह पेयर नहीं ले सकते जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यानी को प्राइम पेयर लेना है। तो 1 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, और दूसरा यहाँ पे आप दूसरा पेयर ले सकते हैं 4 और 7। तो यहाँ पे यह 2 पेयर ही पॉसिबल है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। आई होप फ्रेंड्स आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इन कॉन्सेप्ट को इजिली समझ सकते हैं। तो आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना था, इस पॉइंट को इस तरीके से लिखना था कि 6300 को हमें 15 गुना 15 यानी एच स्क्वायर जो बनता है, इससे डिवाइड करने के बाद A1 इंटू A2 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद 28 A1 इंटू A2, तो यह तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ आप पेयर चेक कर लीजिए, 1 और 28 आ जाएगा, को प्राइम पेयर, और 7 और 4, बस यह 2 पेयर पॉसिबल है, तो यह हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The LCM of two numbers is 4 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 125. If one number is 100, then the other number. तो यहाँ पे आपको, चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं HCF 1 है या X है, और तो LCM क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है LCM क्या है, HCF का 4 गुना है, तो यह 4X हो जाएगा, और LCM HCF का सम यानी इन दोनों को जोड़ दे तो 5x, या किसके इक्वल हो जाएगा, 125। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 25। अब आपको दे रखा है एक नंबर क्या है, 100 है, और यहां से आप देख सकते हैं HCF क्या आ गया, आपका HCF आ गया 25, तो LCM क्या आ जाएगा, 100, और यह LCM एक नंबर के इक्वल है, दूसरा नंबर क्या है, ऑब्वियस है 25 होगा। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर एक नंबर 25 ले ले, एक नंबर 100 ले ले, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम, तो यह 100 ही होना है, और इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, और इन दोनों को सम भी करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो आई होप यह तो काफी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देन देयर एलसीएम इज। आपको दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट अगर दे रखा है तो एलसीएम क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। जैसे अगर एक नंबर 5 ले लेते हैं, एक नंबर 7 ले लेते हैं, तो या दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो को प्राइम है, जब को प्राइम है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 35 ही तो आएगा, तो यह जो प्रोडक्ट है यही इसका एलसीएम भी होगा और यह प्रोडक्ट भी होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है कोई भी दो नंबर जिसका जो को प्राइम है उसका आपको प्रोडक्ट दे रखा है,
तो उसका एलसीएम भी क्या होगा, 117 होगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर को प्राइम नंबर है तो उसका प्रोडक्ट और उसका एलसीएम दोनों इक्वल होता है। और अदरवाइज आप यहाँ पे एग्जाम हॉल में वैल्यू फाइंड करते रहेंगे कि कौन सा तो को प्राइम नंबर है जिसका प्रोडक्ट इतना हो रहा है, तो वह टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बस आपको सिंपली यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था को प्राइम का। अदरवाइज यहाँ पे आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, जैसे दो को प्राइम नंबर ले ले, एक 9 और एक 13 ले लीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 117, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यह है और इन दोनों का आप एलसीएम भी निकालिएगा तो 117 ही आएगा। लेकिन जब जब आप इस वैल्यू को सोचेंगे उससे पहले अगर आपने कॉन्सेप्ट पर रखा है, अगर जानते हैं कि को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम बराबर होता है, तो डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे और निकल लेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एलसीएम इज 12, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देख चुका है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे रखा था और एचसीएफ दे रखा था, तो कितने पेयर पॉसिबल हैं उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या आप लोगों के लिए हो गया एचडब्ल्यू होमवर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइट के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।